पांच ऐसे झूठ जो सोलर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया हुआ है, अगर आपने सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप अगर अपने सोलर पैनल की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है तो थोड़े बहुत चेंज करके आप सोलर पैनल की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो जाएंगे और वही सिस्टम जो आपको अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है उसी सिस्टम से आपको एवसम परफॉर्मेंस मिलने लगेगी। अगर आप सोलर पैनल लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा एक सही जगह इन्वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं पर्दाफाश करने वाला हूं ऐसे पांच झूठों का जो सोलर इंडस्ट्री में मोर देन 50% से ज्यादा बोले जाते हैं, और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी कि जिस बात को आप सच मान के बैठे थे वो बात असल में पूरी तरीके से झूठ निकली। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। तो फ्रेंड्स, सोलर पैनल से रिलेटेड जो सबसे पहला झूठ कहिए या मिथ जो कहा जाता है वो ये है कि सोलर पैनल केवल और केवल दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में काम करता है। ऐसी जगह जहां बारिश होती है या बारिश का सीजन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है तो ऐसी जगह जो है वो सोलर पैनल काम नहीं करता है। तो सोलर पैनल जो है वो एक बेकार की चीज है और सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट जो है एक बेकार इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि तो उस टाइम पे सोलर पैनल काम करेगा नहीं। आखिरकार हमें ग्रिड या जनरेटर पे जाना ही है तो क्यों सोलर पैनल में पैसा डालना। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये एक सबसे बड़ा झूठ है। 2017-18 से पहले सोलर पैनल इस तरह के आते थे कि जो क्लाउडी सीजन में, बारिश के सीजन में काम नहीं करते थे, पर हम लोग 2023 के मिड में हैं और 2021-22 से ही हमारे पास इस तरह के पैनल्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि बारिश में भी काम करते हैं। तो आपके चाहे काले बादल हैं, चाहे सफेद बादल हैं, बारिश हो रही है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां बारिश होती है, ऐसी जगह सोलर पैनल जो है वो काम करता है। अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवाया हुआ है, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के साथ में गए हैं तो फिर आपको कोई भी वरी होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लेटेस्ट टाइप के सोलर पैनल हैं जिसमें हाफ कट पैनल्स आ रहे हैं आज की डेट में, मोनोपर्क जो पैनल्स हैं, बायोफिशियल पैनल्स हैं, तो ये पैनल का प्रोडक्शन जो है वो बारिश के मौसम में जीरो नहीं हो सकता है। अब इसमें यह है कि जितना प्रोडक्शन उसको करना चाहिए, माना आपने 1 किलोवाट का पैनल लगवाया हुआ है और उसको करीब 600-700 वाट का प्रोडक्शन करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पैनल जो है 600-700 वाट का प्रोडक्शन करेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि 0 वाट का प्रोडक्शन करेगा। तो मतलब 200-300-100 वाट जो है वो आपको बना के देता रहेगा ताकि आपके जो बहुत इमरजेंसी वाले लोड है वो आपके बंद ना हो। अब मार्केट में दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है और जिस झूठ को आप मान के पक्का बैठे हैं कि हाँ भाई ये तो सही बात है, वो झूठ है कि जितनी ज्यादा तेज धूप होगी उतना सोलर पैनल ज्यादा काम करेगा। तो सोलर पैनल केवल उन्हीं जगहों के लिए बना है जहां बहुत तेज धूप पड़ती है, जहां पे ठंड का मौसम रहता है, टेम्परेचर जीरो हो जाते हैं या माइनस में चले जाते हैं या एवरेज टेम्परेचर रहते हैं, ऐसी जगहों के लिए सोलर पैनल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कोरी झूठ है। सोलर पैनल में आप टेक्नोलॉजी कोई भी ले लीजिए, मोनो, पोली, हाफ कट, बायोफिशियल, कोई भी आप टेक्नोलॉजी लीजिए, पर हर पैनल की जो टेम्परेचर है वो एक कमजोरी है। जैसे जैसे सोलर पैनल में टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सोलर पैनल का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। अब इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि कितना कम होता है। तो सोलर पैनल का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर किसी भी पैनल का टेम्परेचर है तो उस टाइम पे पैनल जो है अपना मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है। अब केवल मैं टेम्परेचर से रिलेटेड ही आपको ये बात बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे जो है पैरामीटर्स होते हैं जिस पैरामीटर के अंदर जो है एक सोलर पैनल अपना 100% परफॉर्मेंस देता है। हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जो है माना वो है 25, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोलर पैनल का जो टेम्परेचर होगा वो भी 25 होगा। तो अगर आप अपने सोलर पैनल को देखेंगे जिस टाइम पे आपके जो एटमोसफियर का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है तो मे बी पॉसिबल कि आपके पैनल का टेम्परेचर 30 या 35 हो। तो एम्बिएंट टेम्परेचर से हमेशा सोलर पैनल के टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस से पर डिग्री जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पर डिग्री कमी
जो है वो आती चली जाएगी। तो सोलर पैनल की जो टेम्परेचर है वो एक कमजोरी है। अब किसी भी सोलर पैनल को काम करने के लिए टेम्परेचर मैटर ही नहीं करता है। सोलर पैनल को केवल मैटर करता है कि उसको जो रेडिएशन है, जो फोटोवोल्टिक रेज है, वो उसको मिल रही हैं। टेम्परेचर जीरो है, माइनस है, मैटर नहीं करता है, आपका सोलर पैनल काम करता रहेगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब मई जून के महीने में सोलर पैनल के जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाते हैं, आपका एक 100 वाट का पैनल अगर आपका 60-70 वाट बना के दे रहा होता है सर्दियों के टाइम में, तो गर्मियों के टाइम में वही पैनल 40-50 वाट बना के देने लगता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन जो है वो यही है। अब इस रीजन का सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने पैनल अभी तक नहीं लगवाया है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप बायफेशियल जो है वो पैनल ले सकते हैं। तो बायफेशियल पैनल में क्या है कि सेल टू सेल जो है वो थोड़ा सा गैप होता है, जिस गैप में से जो लाइट है वो आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से पैनल के जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं गिरती है। अब यहीं पे एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जिन लोगों ने ऑलरेडी सोलर पैनल लगवाए हुए हैं तो बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर का लालच करते हैं कि उनका टीन शेड लगा है और टीन शेड पे जीरो स्ट्रक्चर पे जो है वो अपना पैनल लगवा लेते हैं। तो जीरो स्ट्रक्चर मतलब टीन शेड पे आपने 4 इंची या 6 इंची आपने उठवाया पैनल को और लगवा दिया, तो उसको जीरो स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो जीरो स्ट्रक्चर पे पैनल कभी नहीं लगवाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि माना नीचे टीन शेड है, टीन शेड गर्मी से तप रहा है, ऊपर 6 इंच ही उसके पैनल है, तो जो टीन शेड की जो तपत है उस तपत से जो हमारा सोलर पैनल है उसको नुकसान पहुंचता है। उसको नुकसान क्या पहुंचेगा कि ऑलरेडी एक तो पैनल गर्म है, ऊपर से जिस स्ट्रक्चर पे पैनल लगा हुआ है, माना कि टीन शेड पे लगा हुआ है, वो टीन शेड बहुत ज्यादा भभक रहा है गर्मी में, टीन शेड है वो अपनी हीट को रेडिएट कर रहा है, अब वो हीट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, उसको सोलर पैनल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बिना मतलब सोलर पैनल के जो टेम्परेचर है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिससे आपके सोलर पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। इसलिए कभी भी सोलर पैनल को कम से कम 2 से 2.5 फीट की आप हाइट पे इंस्टॉल कराएं। तो अगर आपने इस तरह कराया हुआ है, जीरो स्ट्रक्चर पर अपना पैनल लगवाया हुआ है, तो आज ही अपना स्ट्रक्चर जो है वो आप चेंज करा सकते हैं और आप देखेंगे कि अगर आपने 2.5 फीट ऊपर ये स्ट्रक्चर लगवा दिया तो डेफिनेटली आपके पैनल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब तीसरा जो है, बहुत सारे लोग मार्केट में इस तरह का रूमर्स करते हैं कि सोलर पैनल जो है वो केवल बिजली के साथ ही काम करता है, बिजली के बिना जो है सोलर पैनल काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, सोलर पैनल की दो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, एक है ऑन ग्रिड और एक है ऑफ ग्रिड। तो जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं वो इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो केवल ग्रिड की अवेलेबिलिटी पे ही जो है वो काम करेंगे, पर सारे टाइप के सोलर सिस्टम इस तरह के नहीं होते कि वो केवल ग्रिड के साथ ही काम करें। मार्केट में जो दूसरे टाइप का सिस्टम है ऑफ ग्रिड, उसमें बिजली की कोई जरूरत नहीं है। आप बिजली रखना चाहें आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें ना रखें। तो उसमें जो पैनल को काम करने के लिए एडिशनल सोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि जो सोलर पैनल है वो कांस्टेंट लाइट नहीं देता है। कांस्टेंट मतलब कि जैसे मैंने सोलर पैनल आपने 1 किलोवाट लगवा लिया, तो 1 किलोवाट का मतलब ये है कि वो 500 या 600 वाट आप सोच रहे हैं कि 500 या 600 वाट जो है वो कंटिन्यू आपको प्रोडक्शन करे, तो 500 या 600 वाट का कंटिन्यू प्रोडक्शन पैनल नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो रेडिएशन है जो सोलर पैनल पे पड़ रहा है सन का, वो रेडिएशन जो है प्लस माइनस होता रहता है। तो जैसे जैसे रेडिएशन प्लस माइनस होगा, उस तरह जो पैनल का प्रोडक्शन है वो आपका प्लस माइनस होता चला जाएगा। तो अब क्या है कि आपको जो एनर्जी चाहिए वो आपको एक कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को कांस्टेंट करने के लिए एक ग्रिड एक सपोर्ट दिया जाता है पैनल को, जिसमें कि आप या तो ग्रिड का सपोर्ट दे सकते हैं या फिर आप बैटरी बैंक का सपोर्ट दे सकते हैं। तो जहां बैटरी बैंक का सपोर्ट दिया जाता है उसको ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जहां बिजली का सपोर्ट दिया जाता है, ग्रिड का सपोर्ट दिया जाता है, उस सिस्टम को ऑन ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। ऐसे और आजकल तो ऑफ ग्रिड का जो है बहुत ज्यादा जो है वो क्रेज है आज की डेट में, कि लोग ऑफ ग्रिड होना चाहते हैं, ग्रिड से कोई लेना देना ही नहीं, अपनी जितनी उनको बिजली चाहिए अपना खुद से बना रहे हैं, बिजली विभाग से उनका कोई लेना देना ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिजली का कनेक्शन जो है सोलर लगवाने के बाद में कटवा दिए। तो सोलर में आज की डेट में इस तरह की टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें बैटरी में आपको लिथियम बैटरी के साथ में जाना पड़ेगा, पैनल पे आप बायफेशियल अच्छी हाई इफिशियंसी के पैनल के साथ में जा सकते हैं, इन्वर्टर में आप जीरो लॉस इन्वर्टर के साथ में जा सकते हैं। तो अगर इस तरह का आपने सिस्टम लगा लिया तो डेफिनेटली आप जो है वो ग्रिड फ्री हो सकते हैं। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि केवल बिजली के साथ काम करता है, वो भी एक जो है बिल्कुल गलत बात है। सोलर सिस्टम विदाउट बिजली बहुत बढ़िया से काम करता है, और जिसका लाइव एग्जांपल हजारों की संख्या में देख सकते हैं। अब जो चौथा सबसे बड़ा झूठ मार्केट में बोला जाता है वो है कि सोलर पैनल जो है वो अमीरों के लिए है, और सोलर पैनल का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इतना कम है कि अगर मैंने एक सोलर सिस्टम लगवाया 5 किलोवाट का, मेरा सोलर सिस्टम लगा 5 लाख का,
तो 5 लाख रुपए का जो ब्याज आएगा वो ब्याज आएगा 20,000 रुपए या 15,000 रुपए, तो उसमें से 10,000 रुपए मैं बिजली बिल पे कर दूंगा और 10,000 रुपए जो है मुझे बच और जाएंगे। तो मेरे को क्या फायदा है कि मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, सोलर पैनल लगवाऊं, जिसका आरओआई जो है मुझे निकलेगा 10 से 15 साल में, और खामोखामे मुझे देखभाल करनी और मेंटेनेंस करना। ज्यादा बेहतर है कि जो ग्रिड है मैं अपना ग्रिड का कनेक्शन लूं और जो उतना पैसा सोलर में डालना था उतने पैसे को ब्याज पे दे दूं और मेरा जो है बिजली का बिल चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो बातें हैं वो मैंने बहुत बार सुनी है और मार्केट में बहुत ज्यादा इस तरह के जो है रूमर्स होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सोलर पैनल आप अगर प्रॉपरली आप ढंग से इंस्टॉल कराएंगे तो सोलर पैनल का 2.5 से 3.5 साल के बीच में आरओआई निकल के आ जाता है अगर आप रेजिडेंशियल जो है वो यूज करते हैं। अगर आप कॉमर्शियल यूज करते हैं और आपके यहाँ पे डीजी सेट का भी इस्तेमाल होता है तो करीब 2 से 2.5 साल के अंदर ही आरओआई निकल के आ जाता है। अब आरओआई जो है वो डिपेंड करता है कि जहां आप रहते वहां पे जो बिजली की जो एग्जिस्टिंग बिल्स हैं वो कितने हैं, मतलब कहीं 4 रुपए यूनिट है, कहीं 5 रुपए है, तो जहां 4 से 5 रुपए यूनिट है तो वहां पे आरओआई ज्यादा टाइम में निकल के आएगा, कहीं 8 से 9 रुपए है, 10 रुपए यूनिट है, तो वहां पे आरओआई जो है वो बहुत जल्दी निकल के आ जाता है। तो अब इसमें जो लोग बोलते हैं कि ब्याज के इससे जो कंपेयर करते हैं कि भाई ब्याज के पैसे में जो है बिजली बिल पड़ देंगे, तो वो लोग जो है वो केवल एक ही पार्ट देखते हैं। दूसरा जो पहलू है वो दूसरा पहलू ये है कि ग्रिड जो है वो 24 आवर्स नहीं रहती है। उस ग्रिड का आपने अगर कनेक्शन लिया हुआ है तो कनेक्शन लेने के बाद भी आपको जब ग्रिड जाती है आपकी उस टाइम पे भी आपको एक इन्वर्टर बैटरी आपको कम से कम रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई कई दिन तक जो है ग्रिड चली जाती है आंधी तूफान में, लाइन वाइन टूट जाती है, कई बार दिक्कतें बन जाती हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपना जनरेटर जो है वो भी चलाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट जो है वो लोग नहीं जोड़ते हैं। अब इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि भाई जो 4 से 5% का ब्याज कमा लेते हो, तो ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत कम ही मिलेंगे, पर जहां 4 से 5% का अगर कोई ब्याज कमा रहा है तो डेफिनेटली वहां पे बहुत बड़ा जो रिस्क है वो आदमी वहां पे ले रहा होगा। आप अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक में आप देखेंगे कि आपको जो एनुअली 6 से 7% का ब्याज मिलता है, तो जहां 6 से 7% एनुअल का ब्याज मिल रहा है बैंक में, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से तो सोलर पैनल से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोलर पैनल में आप मिनिमम कितना ही भी कम कर लीजिए कम से कम 15 से 20% का आरओआई तो निकल ही जाता है साल का। और जहां कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल या फिर वहां पे जो बिजली के जो स्लैब है वो हाई रेट पे है, 8 से 10 रुपए यूनिट है, वहां पे तो 3.5 साल में आराम से जो आरओआई निकल आता है। तो जहां पे 20 से 30-35% का आरओआई निकल के आ रहा हो, वो आरओआई मुझे तो लगता नहीं है कि जो है वो कोई कम आरओआई है, वो बढ़िया आरओआई है। इतना पैसा अगर आप कहीं किसी बिजनेस में लगाएंगे तो इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। और उसके बाद में माना 3 साल 4 साल में आपका पैसा निकल गया, उसके बाद में अगले जो 25 से 30 साल हैं उसमें भी आप कंटिन्यू कमा रहे हैं, तो मतलब 4 साल में आपका पैसा निकला है जो भी आपने डाला, और 26 साल आप उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है आपको कंटिन्यू आता रहेगा। अब जो लोग ब्याज का काम कर रहे हैं और इतना मोटा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो 30 साल तक उतना लंबा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं। ये मार्केट का जो है वो चौथा जो है वो सबसे बड़ा झूठ है। अब जो पांचवा सबसे बड़ा झूठ मार्केट में बोला जाता है वो ये है कि सोलर पैनल जो है वो केवल छोटे मोटे लोड चला सकता है, जैसे कि आप 2 पैनल लगा लीजिए, 1 बैटरी पे लगा लीजिए, आपके पंखे टीवी पंखे चलते रहेंगे। आपकी कोई अगर आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, आपका कोई आटा चक्की है, स्पेलर है, तो और आपको ऐसा लग रहा है कि ना जी आपको तो ग्रिड कनेक्शन ही लेना है और सोलर पैनल मेरा इतना बड़ा लोड नहीं चला पाएगा, मेरे एयर कंडीशनर्स नहीं चला सकता है, मेरे डीप फ्रीजर हैं वो नहीं चला पाएगा, तो सब गलत बातें हैं। आप सोलर पैनल से कितने भी बड़े लोड चला सकते हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ये होता है कि साहब मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो एक साथ सोलर पैनल में पैसा जाएगा तो वो मैं कैसे दे पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में सोलर पैनल में ये टेक्नोलॉजी भी है कि अगर आपने जैसे आपको 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप 15 किलोवाट आज लगवा लीजिए, फिर 15 किलोवाट अगली साल लगवा लीजिए, 15 किलोवाट अगली साल लगवा लीजिए, और वो तीनों 15-15 किलोवाट जुड़ के आपका 45 किलोवाट हो जाएगा। मतलब कि इन्वर्टर टू इन्वर्टर जो है वो आज की डेट में आप जोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ बैटरी आप लगाना चाहें लगाइए, ना लगाना चाहें ना लगाइए, इस तरह के भी सोलर जो है वो इन्वर्टर्स मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है कि जो आप विदाउट बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हैं और विद बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बैटरी आप 1 लगाना चाहें या 10 लगाना चाहें, जैसी आपकी जो उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ बैटरी लगा सकते हैं। तो सोलर सिस्टम में आज की डेट में आपको कंप्लीट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कंप्लीट फ्रीडम मिलता है कि अगर आपकी लो बजट है और आपको कोई लोन नहीं लेना है, आपके अपने अपनी कमाई से ही आप ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने सोलर सिस्टम को आप एक्सटेंड
करा सकते हैं। बाकी बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं जिनमें अगर आपको ऑनग्रिड सिस्टम लगवाना है, अगर आपके यहाँ पे बिजली 24 आवर्स रहती है तो वहां पे आपको सरकार से जो है सब्सिडी भी मिल जाएगी, तो आप सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। कोई भी बैंक आज की डेट में इंडिया में ऐसा नहीं है जो आपके सोलर प्रोजेक्ट के लिए लोन के लिए मना कर दे आपको। तो आप किसी भी बैंक में अगर अपना सोलर प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बैंक जो है आपके सोलर प्रोजेक्ट पे एक मिनट में आपको लोन कर देगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन करा सकते हैं, आप लोन के साथ भी सोलर सिस्टम ले सकते हैं। और अगर आपके पास में कम बजट है, आपको लोन नहीं लेना है, तो आप धीरे धीरे अपना सिस्टम एड ऑन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मार्केट के 5 सबसे बड़े झूठ, कि जिन झूठों को एक आम इंसान सच मान के सोलर सिस्टम से दूर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपने कुछ आपको फायदा मिला हो तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट में जरूर लिखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद।